अभी टेस्ट करके चेक करेंगे कि क्या ये टेस्ट वही पाकिस्तानी टेस्ट ऑथेंटिक है भी सही या यहाँ कोई दो नंबर काम चल रहे हैं। ये चेक कर रहे हो नली, अगर इस नली को हम निकालें ना बाहर, मैं कहता हूँ इससे मेरे होंठ जो है ना वो तर तर हो चुके हैं इस टाइम। पन्नू का नाम तो है ना, पन्नू के नाम से खाई जाओ बस तो कर। एक मिनट, चाय हो उसे पति ना हो, चाय वो चाय है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? से आपको उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खरियत से होंगे, मज़ेदार होंगे। यार आजकल जो है ना आप लोगों को जैसे पता है क्या भाई, आपने फूड के जो है ना व्लॉग स्टार्ट किए हैं दुबई में, तो पहले हमने खाए थे अल उस्ताद के स्पेशल कबाब, जो कि बड़े मज़ेदार किस्म के स्पेशल कबाब थे और जो वाकई ही स्पेशल थे और वाकई ही वो अलग चीज़ थी कोई। खैर आज वो खाए हमने और उसके बाद आज जो है ना हम टेस्ट करने के लिए आए हुए हैं। मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा आप लोगों को बन्नू बीफ पुलाव, विच इज़ वेरी फेमस इन पाकिस्तान। और अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में फैलने के बाद अब ये जो है ना बन्नू बीफ पुलाव बाहर की कंट्रियों में पहुंच रहे हैं। तो खैर दुबई में इसकी ब्रांचेज हैं, तीन चार हैं, शारजा में है और अजमान में है, लेकिन जो दुबई में जो है ना इसकी ब्रांच न्यू ओपन हुई है वाली जो डेरा में है, मतलब इसकी अगर आप लोगों को मैं लोकेशन बताऊँ तो इसकी लोकेशन बनती है गोल्ड सुख मेट्रो स्टेशन है ना, उससे आप अगर आप सीधा रोड पकड़ते हुए आ रहे हो ना मैप लगा लो और उसके बाद आप यहाँ पहुँच जाओगे सीधा इस शॉप के ऊपर बन्नू बीफ पुलाव पर। हाँ यूनियन भी ठीक है। खैर मैं अभी आप यहाँ में बन्नू बीफ पुलाव खाने के लिए, इनका जो है ना नली वाला बीफ पुलाव है ना वो बड़ा फेमस है जो उन्होंने बताया मुझे, और वो टेस्ट करेंगे। और उनके पास कबाब है जैसे देसी टाइप और कढ़ाइयाँ वगैरह हैं। खैर मज़ा आने वाला है बीफ पुलाव नली के साथ खाने का, मेरा खुद का बड़ा दिल था। और आज जो माशाल्लाह मिलने वाला है मेरे साथ आए हैं वाप भाई। वाप भाई क्या चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह करें। बहुत पहले वाला उस्ताद कैसा था? पहले वाला जो उस्ताद जो हमने खाया उस्ताद स्पेशल कबाब है, वो उनका भी अपना मजा है, उनका अपना मजा, इसका भी अपना मजा आने वाला है। चेक करेंगे ना, स्टार्ट करते हैं वीडियो और चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 5000 सब्सक्राइबर जरा पूरे होने वाले हैं, जल्दी जल्दी करवा दो, या 3-4 सब्सक्राइबर रह गए हैं फटाक से कराओ, कुछ मजेदार पार्टी वार्टी मारेंगे यहाँ पे फिर हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। यार ये जो बन्नू पुलाव है ना ये ऑथेंटिक पाकिस्तानी बन्नू पुलाव है, मतलब ये पाकिस्तान के जो सुबह के शहर बन्नू से जो निकला हुआ है ना असल वाला जो बन्नू बीफ पुलाव है ना ये वही है, सही है ना। उसकी ये ब्रांच अब यार दुबई में ही बन गई है, एक ब्रांच थी पहले शारजा में थी एक, और एक थी अजमान में, अब जाके जो है ना वो जहाँ पर भी बन गई है दुबई डेरा दुबई में। तो खैर अभी टेस्ट करेंगे, हमने ऑर्डर कर दिया, हमने जो है ना अपना हाफ मतलब फुल केजी का जो है ना बीफ पुलाव हमने ऑर्डर किया, जिसके अंदर उन्होंने नली देंगे, इसके अंदर मिक होगी, आह हा हा वो खाएंगे, देखते हैं आज क्या सीन लगता है। यार मेरा सही बताऊँ ना बहुत दिल कर रहा था पुलाव खाने का, वो भी नली वाला, वाह। यार अभी जो है ना हमारे पास जो है ना बीफ पुलाव फुल टाइप किस्म का आ गया, जिसके अंदर इन्होंने हमें दो नलियाँ जो है ना फुल हैवी किस्म की डाल कर दी हुई हैं। ये चेक कर रहे हो नली, अगर इस नली को हम निकालें ना बाहर, मैं कहता हूँ चेक करो नली, ये भी निकली है अंदर से, मैं कहता हूँ मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसको देख देख के, इतनी नरम नरम इसकी जो मिक है ना वो है सही, मतलब खैर नली तो ये अंदर से मिक निकल रही है, मिक जो है ना बड़ी हैवी किस्म की डाली हुई है और अंदर फुल जो है ना क्वांटिटी भी है, मतलब बहुत फिट किस्म की है, देख रहे हो ना अगर मीट की क्वान्टिटी और प्रेजेंटेशन ओवरऑल बेस्ट है। लेकिन अभी टेस्ट करके चेक करेंगे कि क्या ये टेस्ट वही पाकिस्तानी टेस्ट ऑथेंटिक है भी सही या यहाँ कोई दो नंबर काम चल रहे हैं। तो खैर इसको हम करेंगे, इसको मैं हाथों से खाने वाला हूँ, वैसी जैसी बात है, कोई हम जो है ना चम्मच चुमच इस्तेमाल नहीं करने वाले। आई लव टू ईट विद माई हैंड्स। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खैर नली हमने ऊपर रखी पूरी, ऊपर एक गाजर रखी। टेस्ट मज़ेदार है बहुत, लेकिन पाकिस्तानी टेस्ट नहीं आ रहा यार, इधर आए हो रहे उधर आए लोग। लेकिन ये नली चेक करो अंदर से निकली कैसी हैवी किस्म की, यार है मज़ेदार बहुत ज़्यादा, मतलब इसका टेस्ट और अंदर सब कुछ जो है ना मतलब सही यखनी वाला टेस्ट भी आ रहा है, और जो मीट जो है ना ये फुल जो है ना टेंडर है, मतलब फुल जो है ना बिल्कुल रेशा रेशा है इसका, टेंडर फुल हैवी किस्म का है और सब कुछ परफेक्ट है, पर मुझे ये जो टेस्ट है ना वो पाकिस्तानी वाला नहीं, मज़ेदार वो टेस्ट नहीं फील हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ।
खैर लेकिन है बहुत मजा यार। अभी जो है ना हमने एक फुल केजी प्लेट खा ली थी और उसके बाद जो है ना हमारी थोड़ी सी भूख शदीद हो गई थी। हमने बड़ा मज़ेदार टेस्ट लगा, हमने कहा थोड़ी और मंगवाते हैं। तो हमने जाना आधा किलो और मंगाई जिसके अंदर उन्होंने ना प्यारी सी नली और डाल कर दिया। अगर ये बाहर निकल जाए तो वो कैसे निकलेगी, ये निकल आई। ओह माय गॉड, ये नली उन्होंने और डाल के दिया इसके अंदर। और हमने अभी आधा किलो और मंगवाई है ताकि हम आधा किलो और खा के जो है ना अपने पेट को जो है ना फुल आइटम टाइट कर सकें। लेकिन यार इसका चावल बहुत मज़ेदार है, इनका चावल का टेस्ट बहुत मज़ेदार है, चावल बहुत मज़ेदार है, हर चीज़ परफेक्ट है। मतलब गोश्त, ये जो मीट है इसका टेंडर सॉफ्टनेस, नली का टेस्ट और एवरीथिंग इज परफेक्ट है। बट पाकिस्तानी टेस्ट वो और है, ये और है, ये अलग मज़ेदार है, वो अलग मज़ेदार है। लेकिन खैर बनू का नाम तो है ना, बनू के नाम से खाई जाओ बस। चक्कर बहुत ही गर्म था वो, इसमें लाए यार। अभी जो है ना हमने बन्नू का बीफ पुलाव नली वाला खाया, पिया, हज़म किया, फड़काया अच्छे तरीके से। बहुत मज़ेदार था यार, मुझे बहुत मज़ेदार लगा पर्सनली। उसका टेस्ट, उसकी जो अंदर के नली की मिक्स थी इतनी मज़ेदार थी, और जिस तरह गोश्त का टेंडर था वो इतना मज़ेदार था, और मतलब प्रेजेंटेशन थी मज़ेदार थी, और दुकान की जो मतलब शॉप की जो सफाई थी वो भी बड़ी मज़ेदार थी। हर चीज़ मतलब परफेक्ट थी, मतलब मज़ा आया खाने का। तो खैर अब जो है ना एज़ यूजल खाना खाने के बाद आपका भाई एज़ यूजल चाय की जूस की ज़रूर लगाता है, और मेरे साथ चाय की जूस लगा रहे हैं वहाब भाई साहब। वहाब भाई इसकी चाय मज़े की है, जहाँ से रोज़ पीते हैं उससे ज़्यादा ये मज़ाक कर रहे हैं। ये मज़ेदार नहीं भाई, वही मज़ेदार है। नहीं वो ज़रा पत्ती तेज़ नहीं, वो मज़ेदार है, वो पत्ती तेज़, वो मज़ेदार है। मुझे पत्ती तेज़ पसंद है। एक मिनट, चाय हो उसमें पत्ती ना हो, चाय वो चाय है नहीं, लाइट हो ना ज़रा, इतनी ज़्यादा ना हो। नहीं हमारी तो फुल पत्ती तेज़ वाली चाय होती है, ये जो जानते हैं जो हमारी चाय बनाते होते हैं घर में। खैर यहाँ इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली किसी मज़ेदार से फूड की वीडियो में। अगर आप लोगों को फूड का कुछ पता है, कुछ मज़ेदार खाना पीना, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम वो जो है ना एक्सप्लोर करेंगे। और मिलते हैं अगली किसी मज़ेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।